नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल tutorial.com पे। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। जैसे कि आप जानते हैं लेमा एंड एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस, तो हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, उसके लिए हमारे पास दो पॉजिटिव कोई यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू एंड आर, जिसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। जहाँ पे हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो r होगा हमारा वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, मतलब b के इक्वल नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये किसके सिमिलर है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो कि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम, यहाँ हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा को यूज़ करेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे? एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो आप कैसे लिखोगे एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी? एच सी एफ ब्रैकेट में ए कॉमन बी। तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तब तक अप्लाई करते चले जाओगे जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। इसके बारे में हम और समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। ओके, ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी बी एस ई पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमें एच सी एफ निकालना है 960 एंड 432 का। अगर हमें कभी भी एच सी एफ निकालना होता है दो नंबर्स का, सबसे जो ज़रूरी बात है हमें ध्यान देने वाली वो कौन सी है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसको हम डिविडेंड लेंगे और जो नंबर छोटा होगा उसको हम डिवाइजर लेंगे। तो जैसे कि हम नॉर्मल डिविजन में करते आ रहे हैं, हम वैसे ही करेंगे। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 960 हो या फिर 960 से छोटा हो। तो 432 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास? 864। रिमाइंडर आया 96। अब ये जो रिमाइंडर 96 है ये ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो अब आप इस रिमाइंडर को एक डिवाइज़र की तरह कंसिडर करोगे और जो आपका पुराने वाला डिवाइज़र था उसको अब आप नया डिविडेंड मान लोगे। ठीक है, सो 96 इंटू 4 क्या आएगा हमारे पास? 384। रिमाइंडर आया आपके पास 48। अब अगेन ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को डिविडेंड मान लेंगे नया और इस रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेंगे। सो 48 इंटू 2 अब हमारे पास क्या आया? 96। रिमाइंडर आया 0। तो जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आए, उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा, मतलब जो लास्ट डिवाइजर होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? आपका एच सी एफ। सो यहाँ पे एच सी एफ क्या होगा दो नंबर्स का? 48। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और अगर आप सिर्फ लॉन्ग डिविजन शो करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं? आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। सिंस 960 इज़ ग्रेटर देन 432, हम डिविजन लेमा लगाएंगे और अपनी इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फिर लिखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो की इक्वल नहीं है, हम फिर से डिविजन लेमा लगाएंगे और एक नई इक्वेशन लिखेंगे। 432 इज इक्वल 96 इनटू 4 प्लस 48। अगेन ये जो रिमाइंडर आपका 48 ज़ीरो की इक्वल नहीं है, फिर हम एक दोबारा से एक न्यू इक्वेशन लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस 0। अब इस स्टेज पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस स्टेज पे हमारा डिवाइजर क्या था? 48। जिस स्टेज पे हमारा रिमाइंडर 0 होगा, उस स्टेज पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एच सी एफ। तो एच सी एफ यहाँ पे क्या हो गया? 48। अगर मान लो आपके पास दो नंबर की जगह तीन नंबर हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप दो नंबर को लोगे, उसका एच सी एफ निकालोगे, जो भी आपके पास एच सी एफ आया उसको लेके जो आपका थर्ड नंबर था उन दोनों को कंसिडर करके आप एक नया एच सी एफ निकालोगे। जो आपके पास नया एच सी एफ होगा वो फाइनल हमारा एच सी एफ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली वैसे 3 मार्क का आता है, तो यहाँ तक हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे और लास्ट में हमें 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन ही स्टेप्स है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें 4 स्टेप होते तो दो नंबर वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे 1 नंबर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ एच सी एफ ऑफ 210 and 55 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 210m प्लस 55n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इस ये जो क्वेश्चन है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है एच सी एफ को एच सी एफ निकालो, दूसरा है एम और एन की वैल्यू निकालो। उसने कंडीशन आपको दे दी कि जो आपका एच सी एफ होगा वो क्या होगा? 210m + 55n की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है? एच सी एफ निकालना। क्या यूज़ करेंगे हम? यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखी? 210 = 55 × 3 + 45। अगेन रिमाइंडर जो है यहाँ पे वो ज़ीरो नहीं है, फिर से हम अपने रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे। ये तब तक हम बनाते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई।
अब इस स्टेज पे इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF दो नंबर का क्या हो गया, 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसने सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोला, जो आपका HCF है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 210m प्लस 55n की फॉर्म में। तो कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है कि आप सबसे लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट नहीं करोगे। लास्ट इक्वेशन में रिमाइंडर 0 है तो सेकेंड लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखते हैं, सेकेंड लास्ट इक्वेशन से आप जो स्टार्ट करोगे वहाँ पे आप क्या करोगे, आप रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करते चले जाओगे। आप रिमाइंडर की वैल्यू हर इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करोगे जब तक आप फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं पहुँचते। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में रिमाइंडर 0 है, तो हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है, 5। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 10 इंटू 4, मतलब ये पूरी चीज़ आप कहाँ ले जाओगे, इस साइड। ठीक है, ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 45 माइनस 10 इंटू 4। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे हम, 3 से हम किस पे जाएंगे, 2 पे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में हमारा रिमाइंडर क्या है, 10। ठीक, यहाँ पे हम 10 की वैल्यू कैसे क्या लिख सकते हैं, 55 माइनस 45 इंटू 1, इस पूरे को उधर लेकर जाएंगे। तो अब हम इस 10 की जगह हम अपनी वो वाली वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 55 इज इक्वल टू 45 माइनस 45 माइनस एज इट इज़, फिर इसकी ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन जब आप ये पूरी वैल्यू पुट करने हो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में जो रखनी है वो एक बात ध्यान रखनी है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये 55 माइनस 45 इंटू 1 इंटू 4, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व नहीं करोगे, इसको आप ओपन करोगे। यहाँ पे 45 एक बार ही है और यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो कितनी बारी हो गया, 5 टाइम्स। सो हम क्या लिखेंगे, 45 इंटू 5 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 55 कितना है, ये पूरा ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 55 इंटू 4, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब हम पीछे वापस जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा रिमाइंडर क्या है, 45। तो 45 की वैल्यू क्या होगी, 210 माइनस 55 इंटू 3, अब यहाँ पे पुट करते हैं, 45 की जगह हम क्या लिखेंगे, 210 माइनस 55 इंटू 3, ये 5 एज इट इज़, माइनस 55 इंटू 4 सेम। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये पूरा ब्रैकेट हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो 210 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 55 कितनी बारी हो गया, 3 इंटू 5 15 टाइम्स, माइनस 55 इंटू 4, क्योंकि हमारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में थी, 210 एम प्लस 55 एन की फॉर्म में। ठीक है, ये किसके इक्वल था, HCF की इक्वल। तो अब हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमें अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखनी है। सो m की वैल्यू क्या हो गई, 5, और क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लिखते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस। सो n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 19। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो 1.5 मार्क हमें कहाँ से मिल जाएंगे, फर्स्ट पार्ट से, और 1.5 मार्क हमें कहाँ से मिल जाएंगे, एम और एन की वैल्यू से। इस क्वेश्चन को करना मत भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस ईयर 2020 में CBSE में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, एन प्लस टू, एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाई 3, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस हैं, एन, एन प्लस टू, एन प्लस फोर। जो आपका ये वाला नंबर होगा n, ये आप क्या होगा, a आपका, याद है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जो आपका n इज इक्वल, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, वो आपका क्या हो जाएगा, a। और जो यहाँ पे आपका ये भी जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, b। अगर मान लो यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 होता तो b की वैल्यू क्या लेते, 2। ठीक है, तो ये हो गया, इस इक्वेशन को हम लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। सो n इज इक्वल टू 3q, 3q लिखा हमने क्योंकि डिविजिबल बाय 3 था, प्लस r। अब हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो और 0 से बड़ी हो, लेकिन b से छोटी हो। यहाँ पे b हमारा 3 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, एक बात और, ये होल नंबर होना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। सो n क्या हो गया यहाँ पे, पहले 3q, फिर क्या हुआ, 3q प्लस 1 जब r 1 था, जब r 2 था तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3q प्लस 2। अब केस 1 देखते हैं,
केस वन में हमें इन सब में एन की वैल्यू पुट करनी है। एन को लेके चलते हैं, एन क्या था 3q, एन प्लस टू क्या होगा, एन की जगह हमने रखा 3q प्लस टू, और एन प्लस फोर क्या होगा 3q प्लस फोर। मान लो क्यू की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 3q क्या क्या हो जाएगा 6, मतलब 3 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में एन इज इक्वल टू 3q डिविजिबल हुआ। अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3q है, इसकी वैल्यू 6 है, 6 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया 8, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 3q प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 4 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में n n प्लस 2 n प्लस 4 से सिर्फ क्या डिविजिबल होगा n, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 केसेस थे, 3 वैल्यूज थी, जितनी r की वैल्यूज होंगी उतने केसेस बनेंगे। n की n हो गया 3q प्लस 1, n प्लस 2 क्या हो गया, n की जगह रखेंगे 3q प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज़। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3q प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं q प्लस 1। n प्लस 4 क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 4 3q प्लस 5। अब देखो n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर q की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, नहीं ही होगा डिविजिबल। लेकिन अगर हम n प्लस 2 की बात करें, ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 इंटू समथिंग है, उस समथिंग से कोई मतलब नहीं है हमें, फाइनल रिजल्ट हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही n प्लस 4 3q प्लस 5 है, नहीं होगा। तो इस केस में भी n n प्लस 2 n प्लस 4 में से क्या डिविजिबल हुआ n प्लस 2। केस 3 लेते हैं, केस 3 में n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 2, तो n प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह रखोगे 3q प्लस 2 और प्लस 2 एज इट इज 3q प्लस 4। n प्लस 4 क्या होगा 3q प्लस 2 प्लस 4 3q प्लस 6, 3 कॉमन लेके q प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे अगर दोबारा से q 2 होता है तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 8, डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 4 10, डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 4, 3 इंटू 4 12, मतलब 3 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिविजिबल है। तो इस केस में क्या डिविजिबल होगा हमारा n प्लस 4। तो आपने देखा कि तीनों केसेस में n n प्लस 2 n प्लस 4 में से एक चीज़ डिविजिबल होगी। सो हेंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। यूजुअली ये क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क का आता है, तो आपको उस हिसाब से मार्किंग मिलेगी। जल्दी से हम समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जो आपके रियल नंबर्स हैं वो दो टर्म्स में डिवाइडेड है, लेमा और एल्गोरिथम। लेमा क्या है, एक वो स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव की हुई है और उसको यूज़ करके आप किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। लेकिन एल्गोरिथम क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली हमें स्टेप्स देता है। फिर आता है यूक्लिड्स डिविजन लेमा। यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो आपका आर होगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, बी के इक्वल नहीं होगा। यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम क्योंकि ये स्टेप देता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लेमा लगाएंगे, यूक्लिड्स डिविजन लेमा लगाएंगे ए और बी को, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। फिर आपको चेक करना है क्या आपका रिमाइंडर जीरो है, अगर हाँ तो आपका एच सी एफ ए और बी में से क्या होगा, छोटे वाला नंबर बी, मतलब आपका डिवाइजर पार्ट। और अगर नहीं तो आप फिर से यूक्लिड्स डिविजन लेमा लगाओगे आपके डिवाइजर पे और आपके रिमाइंडर पे, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। ये स्टेप आप तब तक फॉलो करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वो वाला फाइनल स्टेज, जो आपका उस फाइनल स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वो आपका एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर दें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपके पास मैथ्स और साइंस की रेगुलर अपडेट्स आती रहें। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.util.com और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, कुछ ऑनलाइन टेस्ट ट्राई करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो भी आप वीडियोस देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स के लिए। जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वो हमारी पूरी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हमारी नेक्स्ट वीडियो को के लिए वेट करें। बाय।